सब अपने भवन में हैं और सबको राम दर्शन तो सबको चाहिए ना, पर इन्होंने किया क्या? बोले किसी ने झरोखा खोल लिया, किसी ने खिड़की खोल ली, किसी कोई दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, कोई छत पर जाकर खड़ी हो गई और सब राम दर्शन कर रहे हैं। पर सबके मन का भाव यह है कि राम जी थोड़ा सा एक बार हमारी ओर देख लें बस तो हमारा कल्याण हो जाए, एक बार हमारी ओर भगवान की नज़र पड़ जाए, हम राम को देखें, मंदिर में जाएं तो हम राम दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन राम जी की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम जहां हैं वहीं मंदिर बन जाए महाराज, हमारा ये देह भी मंदिर बन जाए। तो आज जनकपुर की सखियां झरोके से भगवान को देख रही हैं, जुबती भवन झरोखन लागे, और सुंदर भाव से अपना भाव भगवान को निवेदन कर रही है। आज महाराज जनकपुर में भगवान दर्शन के लिए आए, सखियों ने कहा थोड़ा सा हमारी ओर देख लो, श्री भगवान लक्ष्मण जी की ओर देखे, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये सब कह रही हैं तो एक बार देख लो, श्री भगवान बोले नहीं पर स्त्री की ओर हम दृष्टि नहीं डालते तो हम तो नहीं देख सकते। सब सखियों ने सोचा कि ऐसे तो दर्शन मिलेगा नहीं, तो संतों का ऐसा भाव है, हिय हर्षहिं बरसहिं सुमन, सारी सखियों ने बड़े बड़े पात्रों में पुष्प लिए और सब अपनी अपनी छतों पर गई और ऊपर से भगवान के ऊपर पुष्पों की बरसात की और भगवान के ऊपर पुष्प, अब कोई चला जा रहा हो नीचे और ऊपर से एकदम कुछ गिरेगा तो एक बार तो देखेगा क्या हुआ। तो राम जी ने भी एक बार देखा और सारी सखियां इतनी प्रसन्न हो गई, महाराज इतने में ही हमारा कल्याण हो गया, इतने में ही आनंद आ गया। तो आज भगवान ने दर्शन सब जनकपुरवासियों को दर्शन दिया, संध्या समय लौट करके भगवान आए, गुरुदेव की आज्ञा से विश्राम किया। अगला दिन हुआ तो आज जनकपुर में गुरुदेव ने श्री भगवान को आदेश दिया, समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून, आज भगवान पुष्प लेने के लिए जा रहे हैं पुष्प वाटिका में गुरुदेव के आदेश से। और मानस में जो पुष्प वाटिका प्रसंग है वो बड़ा सुंदर है। अच्छा केवल पुष्प ही लेने जा रहे हैं ना? हाँ ना में तो उत्तर दे दो। हाँ अच्छा, केवल पुष्प लेने जा रहे होते तो इतना समय जान, इतना समय देखने जानने की क्या जरूरत थी। केवल पुष्प ही लेने जा रहे होते भगवान तो बहुत ज़्यादा मुहूर्त देखने की, समय देखने की थोड़ी आवश्यकता थी। आज एक और विशेष घटना होनी है और वो क्या, आज भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी और स्वयं भगवान साक्षात श्री राम जी का सुंदर मिलन भी यहाँ प्रथम साक्षात्कार होने वाला है। तो इसलिए महाराज समय जान गुरु आय सुपाई, सुंदर समय देखा गुरुदेव ने और आदेश दे दिया आप जाइए। भगवान श्री राम आए हैं, वाटिका के दरवाजे पर खड़े हैं, चहुं दिस चितय पूछ मालीगण, चारों ओर देख रहे हैं कोई माली नजर आ जाए। हम कहीं किसी और के बगीचे को तो छोड़ दो, कहीं जाएं किसी और का स्वामित्व जहां हो, घर हो, परिवार हो, कोई चीज हो, तो कई बार कई लोग चारों ओर देखते हैं। कहीं मान लो बड़ी सुंदर कोठी में जाना हो गया, चारों ओर देखते हैं, बड़ी कीमती कीमती सामान रखा है, किस लिए देखते हैं? तो कई लोग, आप सब लोगों की नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई लोग इसलिए देखते हैं कि कोई नज़र ना आए तो एक आध उड़ा दूँ यहाँ से, है ना? आप लोगों के लिए नहीं कह रहे। और भगवान चारों ओर देख रहे हैं किस लिए, कि कोई नज़र आ जाए उससे आदेश ले लूँ, उससे पूछ लूँ, तब प्रवेश करूँ।